ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तावड़ा के ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर मैं मुकेश पलारा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। क्लास को शुरू करते हैं। भूगोल की इस श्रृंखला के अंतर्गत जो अपना टॉपिक चल रहा है उसका नाम है ज्वालामुखी या वोल्केनो, वोल्केनो या ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के अंतर्गत लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है उस हेडिंग का नाम है ज्वालामुखीकृत स्थलाकृतियां, ज्वालामुखीकृत स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी कृत स्थला करते हैं। ज्वालामुखी कृत स्थला करते हैं। ज्वालामुखी कृत स्थला कृतियों को अध्ययन की दृष्टि से या अध्ययन में सुविधा रहे इसकी दृष्टि से अपन इसको दो भागों में बांट लेते हैं, दो भाग है इसके। ज्वालामुखी कृत स्थला कृतियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली उनको बोलते हैं आंतरिक स्थलाकृतियां, आंतरिक स्थलाकृतियां। और दूसरे प्रकार की उनको बोल सकते हैं बाह्य स्थलाकृतियां, बाह्य स्थलाकृतियां, बाह्य स्थलाकृतियां। तो आंतरिक का मतलब क्या होता है और बाह्य का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं, एक बार थोड़ा इसके बारे में समझ लो। आंतरिक स्थलाकृतियां यानी वे स्थलाकृतियां जो धरातलीय सतह के नीचे, धरातलीय सतह के नीचे वाले भाग में बनती है उनको बोल सकते हैं आंतरिक स्थलाकृतियां। और वे स्थलाकृतियां जो धरातलीय भाग को तोड़कर धरातलीय सतह के ऊपर वाले भाग में जिनका निर्माण होता है उनको बोल सकते हैं बाह्य प्रकार की स्थलाकृतियां। जैसे ये अपना क्या है, ये अपनी धरातलीय सतह, ये क्या है धरातल, क्या इसको बोल सकते हैं, ये क्या है क्रस्ट। अब धरातलीय सतह के नीचे क्या होता है कि धरातलीय सतह के नीचे एक मंडल पाया जाता है उसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। कौन सा मंडल है? इस मंडल का नाम है दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, या इसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर, दुर्बलता मंडल। तो ये होता क्या है, दुर्बलता मंडल से क्या होता है धरातल के आंतरिक भाग में क्या होता है, धरातल के आंतरिक भाग में जो चट्टाने होती है वो चट्टाने क्या होती है घनत्व ताप व दाब क्रिया के कारण क्यों कौन सी अवस्था में हो जाती है, गलित अवस्था में हो जाती है। और गलित अवस्था में होने के कारण एक होती है ठोस वस्तु और एक होती है तरल वस्तु। तो ठोस हमेशा क्या होती है, ठोस अपने स्थान को क्या करती है कम करना चाहती है, जबकि तरल पदार्थ अपने स्थान को क्या करना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो आंतरिक भाग में जो दुर्बलता मंडल है, अब दुर्बलता मंडल वाले भाग में चट्टाने गल जाएगी तो गलने से क्या होगा मैग्मा का निर्माण हो जाएगा, और मैग्मा फिर क्या करेगा अनेक प्रकार के दबाव, दबाव के द्वारा क्या होगा धरातल के बाहरी भाग में आने की कोशिश करेगा, धरातल के बाहरी भाग में आने की कोशिश करेगा। इस प्रकार है, तो ये कौन सी हो गई, ये धरातलीय भाग हो गया। इस धरातलीय भाग को तोड़कर, इस धरातलीय भाग को तोड़कर क्या हो गया, ये बाहरी भाग पर आ गया, बाहरी भाग पर इस प्रकार आ गया और अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का क्या किया निर्माण कर दिया। तो ये मैग्मा है, मैग्मा या लावा, ये लावा धरातल के बाहरी भाग में आ जाएगा तो इसके द्वारा जो स्थलाकृतियां बनेंगी उनको क्या बोलेंगे बाह्य स्थलाकृतियां, यानी धरातलीय सतह को तोड़कर धरातलीय भाग के ऊपर आकर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कर देना वह कहलाता है बाह्य स्थलाकृतियां। जबकि होता क्या है कि धरातल वाला भाग या क्रस्ट वाला भाग, धरातलीय भाग या फिर कौन सा हो सकता है क्रस्ट वाला भाग, इस क्रस्ट वाले भाग के नीचे, क्रस्ट वाले भाग के नीचे या हम बोल सकते हैं धरातलीय सतह के नीचे क्या होता है यहाँ पर भी अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है, उन स्थलाकृतियों को हम बोल सकते हैं आंतरिक स्थलाकृतियां, उन स्थलाकृतियों को हम बोल सकते हैं आंतरिक स्थलाकृतियां, ये धरातलीय सतह। अब धरातलीय सतह के नीचे वाले भाग में यहाँ पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बन गई उनको हम बोल सकते हैं
आंतरिक स्थलाकृतियां हैं, इस प्रकार की अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां हो सकती है। तो ये नीचे वाले भाग में बनी इन स्थलाकृतियों को क्या बोलेंगे अपन, आंतरिक स्थलाकृतियां। तो बाह्य स्थलाकृतियां, बाह्य स्थलाकृतियां धरातलीय भाग को तोड़कर, बाह्य धरातलीय भाग को क्या करेगी, तोड़कर धरातलीय भाग के ऊपर क्या करेगी, अनेक प्रकार के ज्वालामुखी शंकु या फिर ज्वालामुखी पठारों का निर्माण करेगी। जबकि आंतरिक स्थलाकृतियां, अब आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है, अब आंतरिक स्थलाकृतियों में देखो दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या है कि आंतरिक स्थलाकृतियों के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि धरातलीय सतह, धरातलीय सतह। अब धरातलीय सतह में क्या होगा, जब धरातलीय सतह वाली जो क्रस्ट वाला भाग है, वो क्रस्ट वाला भाग क्या होगा, बहुत अधिक कठोर होगा। तो बहुत अधिक कठोर होगा तो नीचे लावा का जो प्रेशर होगा, वो लावा के प्रेशर से धरातलीय सतह ना वो अधिक कठोर होगी, अधिक कठोर होगी तो वो धरातलीय सतह को मैग्मा नहीं तोड़ पाएगा, और नहीं तोड़ पाने के कारण क्या हो जाता है, धरातल के आंतरिक भाग में, धरातल के आंतरिक भाग में क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कर लेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ठोस अवस्था में हो जाएगा। तो जैसे ही लावा ठोस अवस्था में आएगा तो वहां पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बन जाएगी। तो ये स्थलाकृतियां बनेगी, ये कहां पर बनेगी, आंतरिक स्थलाकृतियां इनको बोलते हैं। एक बार वापस देख लो, आंतरिक स्थलाकृतियां हैं तो आंतरिक स्थलाकृतियों में क्या होगा, धरातल के नीचे वाले भाग से मैग्मा धरातलीय सतह पर क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा। तो प्रेशर बनाने से क्या होगा, धरातलीय सतह बहुत अधिक कठोर है, बहुत अधिक कठोर है या बहुत अधिक मोटा भाग है, तो मोटा भाग होगा तो मैग्मा का प्रेशर या तो हो सकता है कम होगा। इसमें दो कंडीशन हो सकती है, पहली क्या है, मैग्मा का प्रेशर कम होगा, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि धरातलीय सतह बहुत अधिक कठोर होगी या फिर मोटी होगी, तो धरातलीय सतह को ये मैग्मा तोड़ नहीं पाएगा। तो नहीं तोड़ पाएगा तो धरातल के अंदर, धरातल के आंतरिक भाग में अनेक प्रकार की क्या बना लेगा, श्रृंखलाएं बना लेगा, और श्रृंखलाओं के द्वारा अनेक प्रकार की आकृतियां बनाता है, उनको बोल सकते हैं अपन आंतरिक स्थलाकृतियां। तो धरातल के ये आंतरिक भाग में बनेगी, ये बाह्य भाग में बनेगी। तो आज का जो अपना अध्ययन का विषय है वह है आंतरिक स्थलाकृतियां। आंतरिक स्थलाकृतियां, अब आंतरिक स्थलाकृतियां इसके बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं, यानी धरातलीय सतह के नीचे जो स्थलाकृतियां बनती है इनके बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं। अब इसके अंतर्गत नाम है, सबसे पहले स्थलाकृति पढ़ेंगे उसका नाम होगा बेथोलिथ, बेथोलिथ। दूसरी स्थलाकृति है उसका नाम है लेकोलिथ, लेकोलिथ। तीसरी स्थलाकृति उसको बोलेंगे लेपोलिथ, लेपोलिथ। चौथी स्थलाकृति उसको बोलेंगे डाइक, डाइक। पांचवी स्थलाकृति उसको बोलेंगे फेकोलिथ। फेकोलिथ। और छठी स्थलाकृति उसको बोलेंगे सिल, या सिल की जगह कई बार सीट भी देखने को मिलता है, सीट नाम भी देखने को मिलता है। तो आंतरिक स्थलाकृतियां, और आंतरिक स्थलाकृतियों को हम अध्ययन की दृष्टि से पांच भागों में बांट लेते हैं, पांच भागों में या छह भागों में बांट लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले स्थलाकृति बनेगी उसको बोलेंगे बेथोलिथ। अब बेथोलिथ क्या होता है, लेकोलिथ क्या होता है, लेपोलिथ क्या होता है, डाइक क्या होता है, फेकोलिथ क्या होता है, वह सील या सिल या सीट क्या होता है। सबसे पहले इनको एक डायग्राम के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि धरातल के कौन से भाग में बन रही है, आंतरिक भाग में बन रही है। तो आंतरिक भाग में बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, इनके ये नाम है। अब किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनेगी इसको देखते हैं।
ये बीच वाला भाग हो गया, इसको बोलेंगे मैग्मा पाइप, इसको बोलेंगे मैग्मा पाइप। इसके बाद में ये सबसे नीचे वाली जो स्टलैक्टाइट है इसको बोलेंगे, इसका नाम होगा बेथोली। क्या होगा इसका नाम? बेथोली, बेथोली। सबसे जो ऊपरी स्थलाकृति है इस स्थलाकृति का नाम होगा लेकोलिथ। लेकोलिथ इस स्थलाकृति का नाम होगा सिल, या इसका आकार जब बड़ा हो जाता है उसको बोलेंगे सीट। ये इस प्रकार की स्थलाकृति इसको बोलेंगे फेकोलिथ। फेकोलिथ ये स्थलाकृति होगी, इसको बोलेंगे डाइक। डाइक इस प्रकार की जो स्थलाकृति होगी इसको बोलेंगे लेपोलिथ। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये यहाँ वाला भाग कौन सा हो गया, कि ये यहाँ वाला भाग हो गया अपना धरातलीय सतह। ये कौन सी हो गई? धरातलीय सतह। कौन सा भाग हो गया? ये धरातलीय सतह। ये यहाँ पे क्या है? धरातलीय सतह। ये क्या हो गया? धरातलीय सतह। अब धरातलीय सतह के नीचे, धरातलीय सतह के नीचे अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। उन स्थलाकृतियों को हम बोलते हैं आंतरिक स्थलाकृति। अब आंतरिक स्थलाकृतियों के अंतर्गत क्या है? देखो अनेक प्रकार के नाम है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले नाम आता है बेथोलिथ। क्या नाम आता है? बेथोलिथ। अब बेथोलिथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबसे पहली चीज है, आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ। एक होता है चट्टान। चट्टान में क्या होता है? एक चट्टान होती है, उसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान के दो रूप हमारे को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये भाग कौन सा हो गया अपना? ये धरातलीय भाग हो गया, धरातलीय भाग। अब इस धरातलीय भाग के नीचे मैग्मा का उद्गार कहाँ से होता है? धरातल के नीचे, धरातल के नीचे वाले भाग से होता है। तो एक प्रकार की स्थलाकृति ये स्थलाकृति है ना, ये चट्टानों वाले भाग में भी देखने को हमारे को मिलती है। लेकिन आग्नेय चट्टान है, उस आग्नेय चट्टान के दो रूप हमारे को देखने को मिलते हैं। एक तो होता है बाह्य आग्नेय चट्टान और एक क्या होता है? आंतरिक आग्नेय चट्टान। तो अब बाह्य और आंतरिक का मतलब क्या है कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये क्या है अपना? धरातलीय भाग। धरातलीय भाग के नीचे जिस चट्टान का निर्माण हो रहा है उसको हम बोलेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान, और इसके बाहर वाले भाग पे होगा उसको हम बोलेंगे बाह्य आग्नेय चट्टान। तो ये जितने के जितने ये उदाहरण बता रहा हूँ आपको मैं, बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, सील, सीट, डाइट, इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां बता रहा हूँ, ये सब आंतरिक आग्नेय सेल के उदाहरण। आंतरिक आग्नेय सेल के उदाहरण है, या इसको बोल सकते हैं आंतरिक आग्नेय सेल होती है, उसको बोल सकते हैं ग्रेनाइट चट्टान। एक बार इधर देख लो, ये धरातल का भाग है, ये भाग हो गया धरातलीय भाग। अब इस धरातलीय भाग के नीचे क्या है? यहाँ पर क्या पाया जाता है? ये मैग्मा चैम्बर, या इसको हम बोल सकते हैं दुर्बलता मंडल। कौन सा मंडल है? दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। ये भाग हो गया अपना कौन सा? धरातलीय, धरातलीय सतह। अब होता क्या है कि जिस प्रकार की ये स्थलाकृति होगी उसी प्रकार क्या होगा? आग्नेय चट्टान है, उस आग्नेय चट्टान में क्या होगा? आग्नेय चट्टान के दो रूप हमारे को देखने को मिलते हैं। आग्नेय चट्टान के रूप जैसे मैग्मा है, मैग्मा के आधार पे मैग्मा, आग्नेय चट्टान का अर्थ होता है अग्नि। अग्नि का मतलब क्या होता है? धरातल के आंतरिक भाग से जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अग्नि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अग्नि का निकलना। और अग्नि किस प्रकार निकलेगी? लावा के रूप में निकलेगी। तो दो प्रकार हो सकते हैं। देखो इस प्रकार ये मैग्मा या लावा है,
तो ये दरातली बाग पे पहुंचेगा, तो दरातली बाग को तोड़कर क्या करेगा, दरातली बाग पर क्या करेगा, अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण कर देगा। इस प्रकार स्थलाकृतियों क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। तो ये बाहर वाला भाग है, और एक भाग क्या होगा यहाँ पर दरातल के आंतरिक भाग में क्या करेगा, अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। इस प्रकार स्थलाकृतियों का निर्माण कर देगा, इस प्रकार की स्थलाकृतियां। तो ये तो बाह्य स्थलाकृतियां हो गई, ये आंतरिक हो गई, तो इनको क्या बोलेंगे, बाह्य आग्नेय चट्टा, इनको क्या बोलेंगे, बाह्य बाह्य आग्नेय चट्टान, या फिर इसका दूसरा नाम कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। कौन सी चट्टाने, ये बेसाल्ट चट्टानी हो गई, ये पूरी की पूरी चट्टानी भाग कौन सा हो गया, बेसाल्ट चट्टान का हो गया, ये पूरा का पूरा भाग बेसाल्ट चट्टान का हो गया। जबकि दरातल के आंतरिक भाग में है ये चट्टाने, इन चट्टानों को हम क्या बोलेंगे, ये चट्टाने है इनको बोलेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान, या फिर इसका एक दूसरा नाम मिलता है उसको बोलेंगे ग्रेनाइट चट्टान। कौन सी चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान। तो ये जितने के जितने ये उदाहरण है, ये सब भी अपन बोल सकते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान के उदाहरण बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, ग्रेनाइट चट्टानों के उदाहरण है। दरातल के बाहरी भाग पे आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बेसाल्ट चट्टान है। जबकि दरातल के आंतरिक भाग में है, आंतरिक स्थलाकृतियां हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान। तो ये जितने भी उदाहरण है, फेकोलित, वेथोलित, डाइक, लेकोलित, सील, सीट, इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां, ये सब किसके उदाहरण है, या तो हो सकता है आंतरिक आग्नेय शैल के, आंतरिक आग्नेय चट्टान के, या फिर बोल सकते हैं ग्रेनाइट चट्टानों के उदाहरण है। ग्रेनाइट चट्टानों के क्या उदाहरण, इस प्रकार। तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है कि सबसे पहले नीचे नीचे वाली जो स्थलाकृति हो रही है इसका नाम है बेथोलित। क्या है, बेथोलित। सबसे पहले अपन को इस चीज का ये ध्यान रखना है कि बेथोलित का निर्माण हमेशा दरातल में सबसे गहराई में होता है। बेथोलित का निर्माण कहां पर होता है, दरातल में सबसे गहराई में इसका निर्माण होता है। इसके अलावा क्या है, इसकी आकृति, इसकी आकृति उत्तल आकार की होती है। इसकी आकृति किस प्रकार होती है, उत्तलाकार, इस प्रकार उत्तलाकार होती है। जबकि इसके किनारे कैसे होते हैं, ढाल वाले होते हैं, और बीच वाला भाग हमेशा क्या लिया जाता है, उबार लिया हुआ रहता है। जबकि दरातल के आंतरिक भाग में क्या होती है, असमानता लिए हुए इस प्रकार की जो स्थलाकृति होती है उसको हम बोल सकते हैं बेथोलित। बेथोलित में क्या होगा, दरातल में सबसे गहराई में पाई जाने वाली सबसे मोटी चट्टान, सबसे मोटी ग्रेनाइट चट्टान, या फिर हम बोल सकते हैं कि आंतरिक आग्नेय चट्टान होती है, उसको हम बोल सकते हैं बेथोलित। बेथोलित जैसी जैसी एक स्थलाकृति दरातल के एकदम पास वाले भाग में मिलती है, देखो ये बेथोलित वाला भाग है, बेथोलित वाले भाग में आकृति किस प्रकार की, उत्तलाकार। ये आकृति किस प्रकार की हो गई, उत्तलाकार, उत्तलाकार, उत्तलाकार। तो बेथोलित जैसी जैसी एकदम संरचना होती है। अब बेथोलित और लेकोलित में अंतर क्या होता है, बेथोलित का निर्माण हमेशा दरातल में सबसे गहराई में होता है, दरातल में सबसे गहराई में होता है। जबकि लेकोलित का निर्माण एकदम दरातलीय सतह के एकदम नीचे वाले भाग में होता है। दरातलीय ये भाग कौन सा हो गया अपना, दरातलीय सतह। तो दरातलीय सतह के एकदम नीचे, यानी दरातलीय सतह से जो सटा हुआ भाग है उसको हम बोलेंगे लेकोलित। और लेकोलित की जो चट्टाने होगी वो उत्तलाकार होगी, उत्तल आकार लिए होगी। जबकि बेथोलित की चट्टाने ये भी उत्तलाकार की है, लेकिन लेकोलित वाली चट्टाने दरातल के एकदम पास वाले भाग में होगी, जबकि बेथोलित वाले चट्टाने कहां भी दरातल में सबसे गहराई में होगी। ये इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। अब दूसरा लेते हैं, अगला है, एक है लेपोलित। अब लेपोलित में क्या होता है कि लेपोलित की संरचना किस प्रकार की होती है, अवतल आकार की होती है। इसका आकार किस प्रकार का हो गया, अवतल आकार, अवतलाकार, अवतलाकार ग्रेनाइट चट्टाने होती है, या इनको हम बोल सकते हैं तस्त्री नुमा जो चट्टानी भाग होता है उसको हम बोल सकते हैं लेपोलित। इसके आगे है फेकोलित। फेकोलित वाली जो संरचना होती है इसके अंतर्गत क्या होता है, फेकोलित की संरचना पर्वत सदृश होती है। इसका मतलब क्या होती है, जो पर्वत बनता है तो पर्वत वाले भाग में एक स्थान पर क्या होगा, अपनति होगी, जबकि दूसरे स्थान पर क्या होगा, अभिनति। अपनति का मतलब क्या है,
एक स्थान ऊंचा उठता है जबकि दूसरा स्थान नीचे की ओर दबा रहता है। जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं अपनति, इसमें ये वाला भाग इसको बोले अपनति और ये वाला भाग इसको बोलेंगे अभिनति। तो अपनति व अभिनति सदृश जो संरचना होती है इस प्रकार की संरचना को हम बोल सकते हैं फेकोलिथ। अगली है सिल, या इसको बोल सकते हैं सिट। सिल का अर्थ क्या होता है कि सिल वाली जो चट्टानी भाग है वह हमेशा क्षैतिज दिशा में होगी, यानी चट्टानों का निर्माण किस प्रकार होगा, क्षैतिज अवस्था में हो सकता है, या इसको बोल सकते हैं इस प्रकार जो क्षैतिज अवस्था है, क्षैतिज अवस्था में हमेशा सिल, और जब सिल का भाग थोड़ा विस्तृत हो जाएगा तो इससे जो संरचना बनेगी उसको हम बोल सकते हैं सीट सदृश संरचना। जबकि एक प्रकार की संरचना है उसको हम बोल सकते हैं डाई। तो सिल वाली है, एक तो सिल वाली है, तो सिल वाली संरचना हमेशा क्षैतिज बनती है जबकि डाइक वाली संरचना हमेशा ऊर्ध्वाधर बनती है। डाइक व सिल दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सिल वाली संरचना हमेशा क्षैतिज बनती है जबकि डाइक वाली किस प्रकार बनेगी, ऊर्ध्वाधर बनेगी, यानी एकदम खड़े स्तंभ की तरह होगी, एकदम खड़े स्तंभ की तरह होगी और धरातलीय सतह के एकदम नीचे वाले भाग में एक खंभे के आकार, इस प्रकार खंभा होता है ना, खंभे आकार या खंभे सदृश जो संरचना होती है उसको हम बोल सकते हैं डाइक। तो इसमें अंतर क्या रखना है आपको कि एक तो होता है बेथोलिथ, बेथोलिथ सबसे धरातल के आंतरिक भाग में जो होगा उसको बोलेंगे बेथोलिथ, लेकोलिथ एकदम धरातलीय सतह के पास वाला भाग। तो बेथोलिथ और लेकोलिथ आपको याद हो जाएगी, आकृतियां दोनों एक जैसी है, अंतर क्या होगा, एक नीचे वाली गहराई में होगी, एक धरातलीय सतह के पास में होगी। दूसरा है डाइक व सिल, इन दोनों को एक साथ याद करना है। डाइक हमेशा किस प्रकार होगी, खड़ी आकृति होगी, जबकि सिल किस प्रकार होगी, हमेशा क्षैतिज आकृति में होगी। अगला है फेकोलिथ, फेकोलिथ में क्या होगा, एक पर्वत सदृश संरचना बन जाएगी, उसको हम बोलेंगे फेकोलिथ। जबकि लेपोलिथ में क्या होगा, ये अवतल आकार यानी अवतलाकार या तस्त्री नुमा सदृश जो आपकी आंतरिक आग्नेय चट्टानी होगी उसका निर्माण हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये मैग्मा पाइप है, मैग्मा पाइप से क्या होगा, धरातल के आंतरिक भाग से मैग्मा आएगा और धरातली सतह को ये तोड़ नहीं पाएगा, तो नहीं तोड़ पाएगा तो धरातल के आंतरिक भाग में अनेक प्रकार की क्या बना लेगा, अनेक प्रकार की श्रृंखला बना लेगा और इन श्रृंखलाओं के द्वारा क्या होगा, अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाएगा और ये इन स्थलाकृतियों में मैग्मा होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद में क्या कर लेगा, ये ठोस रूप ले लेगा। इनको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। सबसे पहली संरचना है उसका नाम है, पहली संरचना है उसका नाम है बेथोलिथ। क्या नाम है, बेथोलिथ। अब बेथोलिथ के अंतर्गत क्या होगा, ये धरातल में सबसे गहराई में पाई जाती है, इसका आकार क्या होता है, असमान होता है, यानी ऊपर खापड़ उबार वाली होती है और धरातलीय भाग में सबसे विस्तृत जो आकृति होती है, स्थलाकृति होती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बेथोलिथ। तो अब बेथोलिथ है, ये विस्तृत आग्नेय चट्टान के आकार की होती है, पहली विशेषता क्या है, ये विस्तृत आंतरिक आग्नेय प्रकार की चट्टाने होती है, ये विस्तृत आंतरिक आग्नेय प्रकार की चट्टाने होती है जो प्राय घुमताकार होती है। आगे लिख लेना, इनकी आकृति किस प्रकार की होती है, इनकी आकृति विशालतम होती है, आकृति विशालतम, आकृति किस प्रकार की होती है, विशालतम होती है। अगला पॉइंट है, इसका ऊपरी भाग अत्यधिक असमतल या
उबड़ खाबड़ होता है, उबड़ खाबड़ होता है ये तरातलीय भाग में सबसे गहराई में पाई जाती है। ये विस्तृत आंतरिक आग्नेय प्रकार की चट्टान होती है जो प्राय गुंबद आकार की होती है। आकृति देखे, इसकी आकृति सबसे क्या होती है, विशाल होती है। इनका ऊपरी भाग अत्यधिक असमतल या बोल सकते हैं हम किस प्रकार का होता है, उबड़ खाबड़ होता है। ये धरातलीय भाग में सबसे क्या होती है, गहराई में पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं होगी वो किसकी होगी, बेथोलिथ की होगी। और बेथोलिथ की जो आकृति किस प्रकार बनेगी, बेथोलिथ की आकृति इस प्रकार बनेगी, इस प्रकार जो आकृति बनेगी उसको हम बोलेंगे कौन सी आकृति, बेथोलिथ। ये हो गई बेथोलिथ। दूसरा है बेथोलिथ के बाद में दूसरी आकृति उसको बोलेंगे दूसरी आकृति कौन सी होगी, लेको। देखो इनके नाम पेथोलीथर, लेकोलीथर, लेपोलीथर, फेकोलीथ एक समान है, लेकिन आपको थोड़ा सी याद करना है कि सबसे पहले बेथोलीथ, बेथोलीथ वाला भाग सबसे गहराई में होता है, दूसरा कौन सा हो गया, लेकोलीथ वाला भाग। अब लेकोलीथ वाला भाग कहां पर होगा, सबसे धरातलीय सतह पर, यानी धरातलीय सतह के एकदम पास वाला भाग होगा। आगे लिखो इसका देखते हैं, ये है बेथोलिथ के सदृश, बेथोलिथ के समान ही आकृति होती, बेथोलिथ के समान ही आकृति होती है, लेकिन लेकिन आकार में छोटी होती, आकार में छोटी होती है। पहली विशेषता क्या है, ये बेथोलिथ के समान ही आकृति होती है, लेकिन आकार में किस प्रकार की होती है, यानी बेथोलिथ का आकार बहुत बड़ा होता है जबकि इसका आकार क्या होता है, कुछ छोटा होता है। इसके अलावा अगली विशेषता इसकी क्या हो सकती है, कि इसका आकार किस प्रकार का हो सकता है, उत्तल आकार का हो सकता है। अगला है धरातलीय सतह के नीचे नीचे परतदार चट्टानों के रूप में कलाकार संरचना लिए हुए, संरचना लिए हुए है। पहली विशेषता क्या है, ये बेथोलिथ के समान ही आकृति वाली होती है। देखो बेथोलिथ और लेकोलिथ में फर्क क्या होता है, बेथोलिथ गहराई में होता है जबकि लेकोलिथ एकदम धरातलीय सतह के पास वाली होती है। अगला है धरातलीय सतह के नीचे परतदार चट्टानों के रूप में उत्तल आकार संरचना लिए हुए होती है, उत्तल आकार संरचना लिए हुई होती है, इस प्रकार की ये आकृति हो गई, इस प्रकार की आकृति। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेकोलिथ, क्या बोलेंगे लेकोलिथ। फिर तीसरी प्रकार की आकृति है, तीसरे प्रकार की आकृति है, उसका नाम है तीसरे प्रकार की आकृति है उसका नाम है लेकोलिथ, लेकोलिथ लेते हैं एक बार, लेकोलिथ क्या है, लेपोलिथ।
ये है, आंतरिक आग्नेय चट्टान का, आंतरिक आग्नेय चट्टानों का अवतलाकार रूप लिए हुए चट्टानी संरचना होती, चट्टानी संरचना होती, या हम बोल सकते हैं इसकी आकृति या इसका आकार, इसका आकार प्रस्तरीनुमा होता है, यानी इसका आकार किस प्रकार का होगा, प्रस्तरीनुमा होता है, या ये या क्या होता है, ये आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टानों का अवतल आकार, देखो एक उत्तल आकार है दूसरा क्या है अवतल आकार है, तो अवतल आकार रूप लिए हुए चट्टानी संरचना है, इसका आकार किसका किस समान होता है प्रस्तरीनुमा, इस प्रकार का, इसके सदृश जो संरचना बनेगी उस प्रकार की संरचना को हम बोलेंगे कौन सी आकृति, लेपोलिथ। अगला है, अगले को बोलेंगे हम तीन नंबर हो गए, चार नंबर है उसको बोलेंगे हेकोलिथ, हेकोलिथ में क्या होगा, इससे निर्मित संरचना, इससे निर्मित संरचना, संरचना पर्वतीय भाग के समान, समान उबार लिए हुए अर्थात ऐसी चट्टानों में अपनति हुए अभिनति की के सत्र से, अपन अभिनति के सत्र से सदृश संरचनाएं बनती, संरचनाएं बनती। अब अपनति का मतलब क्या है, जो पर्वतीय भाग ऊपर की ओर उठा हुआ होता है उसको बोलते हैं अपनति, और जो भाग नीचे की ओर दबा रहता है उसको बोलते हैं अभिनति, यानी इस प्रकार की आकृति बनती चट्टानी भाग में, इस प्रकार आकृति, इस चट्टानी भाग में क्या होगा दो प्रकार की आकृतियां बनेगी, इसमें एक भाग है उसको बोलेंगे अपनति, यानी जो ये ऊपर वाला भाग है, यानी ये ऊपर वाला भाग है इसको बोलेंगे कौन सी नति, अपनति, जबकि ये भाग नीचे की ओर दबा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे अभिनति, अभिनति। तो एक हो गया अपनति और दूसरा क्या हो गया अभिनति। अगला है एक बार कौन-कौन से हो गए, सबसे पहले पढ़ा था बेथोलित, लेकोलित, लेपोलित, हेकोलित, अब पांच नंबर है, पांच नंबर जो स्थलाकृति होगी उसका नाम है सिल, क्या सिल, या जब सिल का आकार बड़ा हो जाएगा तो इसको बोल सकते हैं शीट,
सिल या सीट। तो सिल व सीट के अंतर्गत क्या होता है कि सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है कि इसका जमाव हमेशा किस प्रकार का होगा, इसका जमाव हमेशा किस प्रकार होगा, क्षितिज प्रकार से होगा। यानी जो चट्टानी भाग है, आंतरिक भाग का जो लावा है, या हम बोल सकते हैं जो ग्रेनाइट चट्टाने है, वो ग्रेनाइट चट्टाने किस प्रकार जम जाएगी, ये क्षितिज रूप में जम जाएगी। तो सील वाला भाग है, सील वाला भाग वह डाइक वाला भाग, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पाए जाते हैं। तो सील में क्या होता है, सील परत के रूप में, सील परत के रूप में आग्ने सेल का, आग्ने सेल का सेल का समूह है होता है। पहली विशेषता क्या होती है, सिल पर्वत के रूप में आग्नेय सेल का क्या होता है, समूह होता है। ये तो इसकी विशेषता हो गई। पहली विशेषता क्या है, आग्नेय सेल का क्या होता है, ये समूह होता है। अगली विशेषता है, इसमें मैग्मा का जमाव इसमें क्या होता है, मैग्मा का जमाव परतदार सेलों की परतों के रूप में, सेलों की परतों के परतदार सेलों की परतों के बीच में होता है, बीच में क्षितिज अवस्था में होता, अवस्था में होता होता है। अगला है यहाँ पे नोट लिख लेते हैं, सिल के आकार में, आकार में या संरचना वृद्धि होने पर इसे सीट कहते हैं। यानी सील वाली आकृति या संरचना है, इस संरचना में क्या होगी, जब वृद्धि होगी या इसका रूप किस प्रकार का हो जाएगा, इसका रूप बड़ा हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, फिर सीट बोलेंगे। इसके सदृश जो संरचना बोलेंगे सील। सील वाले भाग में क्या होगा, जब इसका आकार और अधिक विस्तृत या बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीट बोलेंगे। फिर आती है एक स्थलाकृति और है, उसका नाम है देखने को छह नंबर, इसका नाम है डाइक। यह आकृति किसके सदृश होती है, डाइक के सदृश होती है। तो डाइक की और सिल में अंतर क्या होता है, डाइक वाली आकृति हमेशा किस प्रकार की होगी, क्षितिज अवस्था में होगी, जबकि डाइक वाली अवस्था किस प्रकार में होगी, ऊर्ध्वाधर आकृति में होगी। यानी ऊर्ध्वाधर आकार, ये हम बोल सकते हैं कि खड़े खंभे के सदृश जो स्थलाकृति बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइक स्थलाकृति। लिखते हैं इसमें, सिल के विपरीत, सिल के विपरीत डाइक परतों के रूप में, सिल के विपरीत डाइक परतों के रूप में पाई जाती है। वास्तव में डाइक एक दीवार की तरह है आग्नेय सेलों
दीवार की तरह है, आग्नेय शैलों का आंतरिक रूप होता है जो जो ऊर्ध्वाधर जो ऊर्ध्वाधर आकृति में खड़ा रहता है। सिल के विपरीत, यानी सिल वाला भाग क्षितिज है जबकि डाइक वाला भाग हमेशा इस प्रकार की आकृति खंभे नुमा आकृति होगी, तो सिल के विपरीत होगी, सिल क्षितिज होगी जबकि ये किस प्रकार होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। अगला है, वास्तव में डाइक एक दीवार की तरह है, दीवार किस प्रकार होती है, दीवार हमेशा खड़ी होती है, दीवार मान लो या फिर खंभा मान लो, दीवार की तरह है, आग्नेय शैलों का आंतरिक रूप होता है, आग्नेय शैलों का क्या होता है, आंतरिक रूप होता है जो किस प्रकार होगा, ऊर्ध्वाधर आकृति लिए हुए होता है, इस प्रकार की आकृति। तो ये भाग कौन सा हो गया, ये भाग हो गया डाइक वाला। तो एक बार उनको वापस देख लेते हैं थोड़ा सी। आज की क्लास को हमने शुरू किया था ज्वालामुखी की स्थलाकृतियां, आंतरिक स्थलाकृतियां, बेतोलित, लेकोलित, लेपोलित, डाइक, फेगोलित व सिल, वाई स्थलाकृतियां, इनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये है धरातल के सबसे आंतरिक भाग, आंतरिक भाग में क्या होगा, आंतरिक स्थलाकृतियों का मतलब क्या है कि ये धरातलीय सतह है, ये धरातलीय सतह क्या है, बहुत अधिक कठोर है या फिर विस्तृत है। तो धरातल के आंतरिक भाग से जो मैग्मा आएगा वो मैग्मा धरातलीय सतह को नहीं तोड़ पाएगा, धरातलीय सतह को नहीं तोड़ पाएगा, तो धरातल के आंतरिक भाग में क्या करेगा, अनेक प्रकार की आकृतियां स्थलाकृतियां बना लेगा, जिसमें क्या होगा, एकदम नीचे वाला मैग्मा धरातलीय सतह को एक बार छोड़ देगा, तो छोड़ने के बाद में धरातल के एकदम बीच वाले भाग में आ जाएगा। ये धरातल की सतह सबसे गहराई वाले बिंदु से और धरातलीय सतह के बीच में जो स्थलाकृतियां बनेगी, इनके द्वारा क्या होगा, मैग्मा होगा, तो मैग्मा अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां ले लेगा और स्थलाकृतियों के द्वारा क्या हो जाएगा, ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद में अनेक प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हो जाएगा। तो बेथोलित सबसे गहराई में बनेगी, उस स्थलाकृति को बेथोलित बोलते हैं, ये सबसे विशालतम रूप होता है, विशालतम रूप होता है, जबकि बेथोलित के सदृश धरातलीय सतह के एकदम नीचे वाले भाग में जो स्थलाकृति बनती है उसको हम बोलेंगे लेकोलित। अगला है फेकोलित, फेकोलित की संरचना पर्वत सदृश बनती है, यानी पर्वत के सदृश इस प्रकार बन जाएगी, या फिर अपन इसको मान लेते हैं कि अपनति व अभिनति, दो प्रकार की संरचना होती है, अपनति व अभिनति यहाँ पर पाई जाती है। अगली है सिल या सीट, जब सिल है, सिल का मतलब क्षितिज आकृति बन जाएगी, और क्षितिज आकृति वाला भाग है, इसका आकार लगातार बढ़ता जाएगा, यानी बड़ा होता जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं सीट। जबकि एक है डाइक, डाइक क्या हो सकती है, एक दीवार की तरह या खंभे के सदृश ऊर्ध्वाधर आकृति होती है। एक है लेपोलित, लेपोलित आकृति क्या होती है, धरातल के आंतरिक भाग में क्या होगा, अवतल आकार या फिर तस्त्री नुमा सदृश जो संरचना बनती है उसको हम बोल सकते हैं क्या, लेपोलित। तो मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक्स।